हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी फ्लावर्स वर्ल्ड। आपको कवर देखकर समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। ये फ्लावर्स के सीड जो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्या ये ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं? ये आप देख सकते हैं, हमने एक कॉम्बो पैकेट मंगाया हुआ था फ्लावर के सीड्स का, जिसमें हमें 35 वेराइटी सीड्स मिले हैं फ्लावर के। इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, देख सकते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है इसमें फ्लावर। देख सकते हैं यहाँ पे पेंसी, स्वीट विलियम, हाउस फ्लावर, डालिया, टॉप स्टार, पॉपी सीड्स, ये सारे बहुत सारे दिए हुए इस तरह से हमें रिसीव हुआ है, ये छोटे छोटे पैकेट बनाकर ये फ्लावर्स के। और तो अच्छी बात ये है कि इसमें पिक्चर भी दे दिया है कि कौन से फ्लावर किस तरह से ग्रो होंगे और कैसा इसका फ्लावर है। ये देखिए, छोटे 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 बिल्कुल पैकेट है। ये देख सकते हैं स्वीट विलियम का, ये मॉर्निंग ग्लोरी का है ना, और भी बहुत सारे हैं। हमने इसको ग्रो किया, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रो हुआ, ये सबका नाम भी लिखा है हमने, और मेंटल केल, इसका नाम है सालविया, ये भी अच्छे से ग्रो हो चुका है। ये है वर्बीना, कैंडी टफ्ट, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। ये दूसरा देख सकते हैं नेमोफिला, ये भी अच्छे से हो गया है। और ये है रेसिडा, ये भी बहुत अच्छे से हुआ है ग्रो। ये है ऑस्टियोस्पर्मा, जिसको डेजी नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये डैंथस है, ये भी अच्छे से ग्रो हुआ है। ये डायमोर 40 का, ये भी डेजी का ही होता है, बस कलर अलग अलग डिफरेंट है कलर दोनों। ये गजानिया है, और ये पेंसिल मिक्स है, अब पता नहीं इसमें कौन से कलर आएंगे ये तो नहीं पता। ये निमेसिया का है, ये भी ग्रो हो चुका है। और ये आइस प्लांट है, ये हमने दूसरे पॉट में भी आइस प्लांट लगाया, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। अब फ्लावर का तो पता नहीं, उसका भी वीडियो डालूंगी जब आ जाएगा। ये है नस्टर्सियम, इसकी बेल चलती है, ये तो फिलहाल अभी बहुत छोटा सा है, ये नस्टर्सियम का है। इसमें और भी है, ये भी है, इसका नाम फ्लॉक्स है शायद, हाँ ये फ्लॉक्स का है, हाँ ये फ्लॉक्स है। पिटूनिया निकले हैं, ये भी उतने अच्छे से तो ग्रो नहीं हुए, पर अभी हो ही रहे। ये एक्रोक्लीनियम का है, इसमें भी बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, अब ये बड़ा हो जाए फिर मैं वीडियो डालूँ। ये पॉपी सीड का है, इसको कुछ ही दिन पहले ग्रो किया था, इसलिए अभी बहुत छोटा है। ये एक राउंड में ऊपर से दिखाती हूँ आपको, ये काफ़ी सारे मैंने उगा लिए हैं, बहुत अच्छे से हो चुका है, इसका ट्रांसफ़र करने का सभी का टाइम आ गया है। ये कैंडी टफ्ट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ था, इस वजह से हमने कुछ तो इसको सॉयल में भी ट्रांसफ़र कर लिया, अपने गार्डन में, लॉन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया, वो भी दिखाती हूँ। फ्लावर गार्डन, एनपी फ्लावर्स वर्ल्ड गार्डन। ये हमने मॉर्निंग ग्लोरी का वेलकम गेट बनाया अपने गार्डन का, इसमें ग्रीन मैट भी लगा है ताकि धूप ना लगे, अभी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं नीचे जो हमने लगा रखा है, इस वजह से ये ग्रीन मैट लगा है। ये मरून गुलदाउदी है, इसे हमने साल भर पहले ग्रो किया था, अब जाके इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हुआ है, अभी सीजन है गुलदाउदी का, और इतने खूबसूरत फ्लावर आए हैं कि देखकर मन ना भरे, बस देखते ही रहो। सॉरी, मैं तो बातों में भूल ही गई, आपको स्मॉल प्लांट्स दिखाने थे जो मैंने ट्रांसफ़र किया था गार्डन में, आइए दिखाती हूँ। हो गया था, इसको डायरेक्ट ही हमने गार्डन में ही ग्रो किया। ये भी कॉस्मोस का है, इसको भी हमने डायरेक्ट गार्डन में ही ग्रो किया था, ये ट्रांसफ़र किया हुआ है एग्रोक्लीनर, ये भी अभी काफ़ी छोटा है। ये दो दिन पहले ही हमने डायमोर 40 को भी ट्रांसफ़र कर दिया है अपने लॉन में। तो आपने देख लिया कि ये सारे फ्लावर्स जो हमने ग्रो किए थे वो प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो चुके हैं। अब इसमें फ्लावर आएगा, कितने आएंगे, कैसे आएंगे, वो तो अब ग्रो होने के बाद ही, अच्छे से फ्लावर आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये मतलब झूठ नहीं है, इसमें से ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आपको प्रॉपर सॉइल का और ये सब का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, कितना पानी देना है, नहीं देना है, ओवर वाटर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ का थोड़ा सा रखना पड़ेगा ध्यान, फिर तो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाकर डाल सकूँ कि जितने भी फ्लावर्स आए हैं, नहीं आए हैं उसके भी। ओके, अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।